राहुल गांधी ने संसद का सत्र खत्म होने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वो मणिपुर को बचाना नहीं बल्कि जलाए रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में पीएम सिर्फ 2 मिनट ही मणिपुर पर बोले। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मणिपुर में 4 महीने से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पीएम ने कुछ नहीं बोला। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हंसकर बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक मार रहे थे, प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। कल अविश्वास प्रस्ताव में मुद्दा राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं थी, ऐसे में प्रधानमंत्री का हंस हंसकर बयान देना कहीं ना कहीं मणिपुर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता है और अगर देश में ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री को 2 घंटे ये नहीं करना चाहिए था। अविश्वास प्रस्ताव पर कल पीएम के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा कि विषय राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं थी, विषय मणिपुर था जो कि जल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा को हिंदुस्तान की आर्मी 2 दिन में रोक सकती है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, ये है सच्चाई। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया वो हमने आपको सुनवाया। बकायदा राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रवि त्रिपाठी जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से। रवि, मुझे आज जब मैंने राहुल गांधी को सुना तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, या ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल वैसी ही राजनीति करना सीख गई है जो कि बीजेपी किया करती है। कल संसद में जो भी हुआ उस पर प्रधानमंत्री को इस तरह से घेरना कि साहब आप तो हंस रहे थे, विषय राहुल गांधी नहीं था, विषय कांग्रेस नहीं थी, विषय तो मणिपुर था, कुल मिलाकर एक बड़ा हमला आज राहुल गांधी ने बोला है प्रधानमंत्री के ऊपर एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि वॉकओवर नहीं देना है कांग्रेस सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को वॉकओवर नहीं देना है। खाली उन्हीं की चर्चा ना रहे, क्योंकि कल भाषण देने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की चर्चा हो रही है, तो वैसी स्थिति में उनके भाषण को काउंटर करना जरूरी था। उस काउंटर करने के लिए राहुल गांधी देखिए इमोशनल स्पीच भी दे रहे हैं कि इमोशनल स्पीच ये है कि भाई प्रधानमंत्री को ऐसे मुद्दे पर हंस कर बयानबाजी नहीं करना चाहिए था, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था दूसरे का, उनको मणिपुर पर बोलना चाहिए था। दूसरी तरफ एक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, हालांकि वो सॉल्यूशन कितना बीजेपी उसका फायदा उठाएगी या कितना उसका मजाक उड़ाएगी भी देखने वाली बात होगी। जो आर्मी के इस्तेमाल का कि 2 दिन अगर आर्मी वहां जाएगी तो समस्या का समाधान हो सकता है। कल ही प्रधानमंत्री ने बोला कि मार्च 1966 में किस तरह से मिजोरम में बम बरसाए गए थे सेना की तरफ से, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने जनता को मारा वहां पे, तो उस तरह के सॉल्यूशन की बात करना राहुल गांधी का, क्या उसको बीजेपी काउंटर करती है? लेकिन राहुल गांधी कुल मिलाकर वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। चुनावी साल है, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम में भी चुनाव होना है, जिस मिजोरम का मैं जिक्र कर रहा था वहां भी विधानसभा चुनाव है, और उसके अलावा लोकसभा चुनाव लगभग 8 महीने बाद है,
तो वैसी स्थिति में कोई भी अपोजिशन में रहेगा, चाहे वो बीजेपी रहती है या आज कांग्रेस है, तो ऐसे मुद्दों को छोड़ेगी नहीं, ऐसे मुद्दों को लगातार सस्टेन करेगी ताकि लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ हो सके। अभी डिपेंड जनता पर करता है कि जनता इसको किस तरह से लेती है, राहुल गांधी की बात को समझती है या प्रधानमंत्री मोदी की बात को समझती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और जैसे अभी तक लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है उसको रोकना एकदम नामुमकिन है, तो कुल मिलाकर अब विपक्ष की तरफ से देखिए रथ रुके या ना रुके, कौन जीते ये तो समय बताएगा, लेकिन टक्कर जो है वो बड़ी बराबरी की चल रही है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि कल संसद में जो 3 दिन का जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली वो बहुत दिलचस्प रही। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। जीनी।